से प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया। दीदी बात करें, अगर मैं गुटे बात करें, पता है इतने से एरिया पे ये प्रेशर लगाऊं, यो प्रेशर लगा, ये क्या लगा रहा हूं, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है दीदी बात करें, इतने एरिया में दीदी कितना फोर्स लगाया, मैं क्या लगा रहा हूं, फोर्स। किस पे दीदी बात करें, इतने एरिया पर, ये दीदी बात करें पर यूनिट एरिया पर जो आप फोर्स लगाते हो वो कहलाता है प्रेशर। दीदी बताओ यूनिट क्या होगी इसकी, जनरल गुड़े बात करें, फोर्स के रिस्पेक्ट में लिखें तो लिखेंगे गुड़े बात करें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लिखोगे नहीं लिखोगे, ये क्या है यूनिट, कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट गुड़े बात करें, या फिर गुड़े बात करेंगे जनरली गुड़े बात करें साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में लिखें पास्कल, क्या लिखोगे बेटा बात जल्दी बोलो, पास्कल, पास्कल। या दीदी पास्कल को बोलते पीए, 1 पास्कल इसको स्टूपिड बात कर, बताओ गुड़े बात करें हाउ मेनी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं बोलूं गुड़े बात कर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 1 न्यूटन फोर्स लगाऊं तो गुड़े बताओ प्रेशर कितना आएगा, 1 पास्कल। मैं कह रहा हूं 1 मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़े पर मैं दीदी बात करें 1 न्यूटन फोर्स लगाऊं कितना आ जाएगा, 1/1 कितना आ रहा है, 1/1 मतलब बन ही तो हुआ कि नहीं हुआ गुड़े बात करें, इसका मतलब बन बेटा बात करें पास्कल स्क्वायर क्या होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर दीदी इसको मैं कन्वर्ट करूं बेटा बात करें किसमें, सीजीएस में, सीजीएस में इसका मतलब क्या है, न्यूटन की सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन, क्या होती है, डाइन। 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितना होता है, 10^5 डाइन गुड़े बात करो, और मीटर की सीजीएस यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर गुड़े बात करो, तो मीटर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। पर बंस मीटर इक्वल्स टू क्या होता है बेटा बात करें, 10 सेंटीमीटर, पर यह मीटर स्क्वायर है तो इसका क्या लगा दो, इसका भी स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर। अगर इसको डीडी ओवरऑल सॉल्व करें तो कितना आ रहा है बेटा, 10^10, अरे 1 मीटर बराबर क्या होता है, 10^2 सेंटीमीटर होता है ना बेटू, तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 10^2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, अरे आ जाएगा, टोटल सॉल्व करो 10^ कितना आ गया, 5 डाइन गुड़े बात करें, और नीचे कितना आ गया, 10^2 का स्क्वायर है, 10^4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 से ये निपट गया, एक बचा कितना आ रहा मैडम, 10 डाइन पर सेंटीमीटर। दीदी याद रखना बेटू 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू गुड़े बात करें क्या, 10 डाइन पर सेंटीमीटर गुड़े बात करें स्क्वायर, अरे हाँ वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आ गया ना आगे लिखा है गुड़े बात करें। दूसरा मैंने कहा बेटा बात करें 1 bar इक्वल्स टू 10^5 पास्कल गुड़े बात करें, वैसे होता है 1 पॉइंट गुड़े बात करें 0.1325 बार कितना होता है गुड़े बात करें, 1 0 2 गुड़े बात करें 3 2 5 जीती बात करें, समझ पा रहे। अब दीदी बात करें इतना सारा डाटा कैको लिखना है गुड़े बात करें, नहीं 1.01 ऐसा दीदी बात करें 1.01325, अब 2 लिख दो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसको दीदी पॉइंट लगाऊं मुझे पावर में लिखना पड़े तो मैं 1 2 3 4 5 पांच अंक पहले पॉइंट लगा दूं, 10^5 लिख दूं, अब इसको मैं राउंड ऑफ में करूं, 5 जाएंगे तो 2 2 ही रहेगा, 2 जाएगा तो 3 3 रहेगा, 3 जाएगा तो 1 1 रहेगा, 1 जाएगा तो 0 0 रहेगा, तो कैको लिखना सीधा लिखो ना गुड़िया, 3 क्या लिखो, 1 × 10^5, अब 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है तो सीधा कितना लिख दिया बेटा बात करें, 10^5 बस, समझ पा, तुम्हें यही लिखना है। अगर तुम्हें चाहिए कि नहीं नहीं मुझे तो पूरा ही चाहिए तो पूरा लिख लो 1 0 1 3 2 5 पास्कल, पर मैं कह रहा हूँ इसको याद रखो ये काम का है, 1 पास्कल इक्वल्स टू हाउ मेनी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 होता है तो गुड़े बात कर 1 bar बराबर कितना आ गया, 10^5 को 5 रहने दो, और 1 पास्कल बराबर कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 पास्कल बराबर 1 होता है तो अपने सीधा लिख दिया क्या सीखो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अपने बोला नहीं नहीं मुझे इसको कन्वर्ट करना है डाइन में, ओके तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर कितना है, 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10^5 को 5 रहने दो और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह, ये कुछ नहीं तो बन तो है कि नहीं है गुड़े बात करें, कितना कर दो 10 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह की चीज उतार दो 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल कितना हो गया मैडम, 10^1 ये होगा, 10^5 ये हो गया, कितना लिख दिया आपने, 10^6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कन्वर्ट करना दीदी बात करें आना चाहिए अगर आपको सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है। नेक्स्ट से बेटा बात करें 1 ATM, 1 ATM, मैंने आपसे ये वाला ATM नहीं कहा, इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड जिसको तुम जाते हो पैसे निकालने, क्या क्या बोलते हो उसको, ATM गुड़े बात करें। और ये है दीदी एटमोस्फेरिक यूनिट, क्या है बेटा बात करें, वायुमंडलीय दाब इकाई, तो 1 ATM बराबर कितना होता है बेटा बात करें बताओ गुड़िया, बिल्कुल 760 mm of mercury, और बेटा बात करें 1 mm of mercury इसको स्टू होता है दीदी बात करें 1 torr, क्या होता है बेटा बात करें 1 torr, तो इसका मतलब कोई पूछे 1 ATM में कितने टॉर आएगा, 760, और गुड़े बात करें यहां पे क्या लिख दो टॉर, पर मैं पूछू गुड़े बात करें हाउ मेनी पास्कल, गुड़े बोलो जरा कितने पास्कल होता है, तो याद करो गुड़े बात करें 1 ATM बराबर कितना होता है बेटा बात करें, 1 ATM बराबर कितना होता है, 1 bar
मैंने अभी तो चिल्ला चिल्ला के बोला है 1 ATM बराबर कितना होता है, 1 bar। नहीं समझ पा रहे तो बुरे बात का, 1 bar बराबर 10^5 pascal, तो 1 ATM बराबर 10^5 pascal आ गया ना। अरे मेरे लाल, मैंने कहा 1 ATM बराबर क्या होता है, 1 bar होता है, और 1 bar बराबर तो लिख चुका ना पहले। तो अगर इसको ATM कोई पूछे कि 1 ATM में कितने पास्कल होते हैं, तो 10^5 pascal ही होते हैं। नहीं समझ पा रहे कितना होता है 10^5 pascal, और दीदी बात कर 10^5 क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब कोई मुझसे पूछे बुरे बात का, मुझे तो पास्कल और टॉर में रिलेशन चाहिए, मुझे पता है एक मतलब 760 टॉर बराबर कितना है बेटा, बात करें 10^5 pascal, पर मैं पूछूं बुरे 1 टॉर बराबर कितने पास्कल, तो आप क्या करो 6 7 मतलब 7 6 का डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा बेटा बात करें 1 टॉर बराबर 10^5 / 7 60 बुरे बात कर पास्कल आ गया। नहीं आ रहा है जो तुम्हें दिख रहा है वो बोल दो, मैं कह रहा हूँ बुरे बात करने नहीं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू बुरे बात के हाउ मेनी मिलीमीटर मरकरी, दिख रहा है मुझे 707 मिलीमीटर मरकरी बराबर है दीदी बात करें 760 टॉर। क्या पूछा था अपने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को मिलीमीटर मरकरी से लिट किया था ना, तो पता चल मुझे कि 760 मिलीमीटर मरकरी बराबर कितना है 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बताओ 1 मिलीमीटर मरकरी बराबर कितना आ जाएगा, 760 को उठा के इसके नीचे रख दो 10^5 / 760 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नहीं नहीं वो क्या कह रहा है पूरे बात कर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हाउ मेनी पूरे बात कर क्या मिलीमीटर मरकरी, तो मुझे पता दी थी बात किस तरफ उसने पूछा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इस नंबर को उठा के क्या कर दो पूरे बात कर इसके नीचे ले जाओ, इसके नीचे ले जाओगे ना तो क्या बोलोगे, ऐसे बोलोगे कि नहीं बोलोगे 760 मिलीमीटर ऑफ दीदी बात करें मरकरी इक्वल्स टू कितना बेटा बात करें 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर मुझे चाहिए क्या 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर कितना है, तो बुढ़े इसको उठा के आप इस तरफ रख दो, तो जब बुढ़े बात कही पहले तो नीचे जाएगा 760 / 10^5, फिर ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 760 × 10^5 कितना मिलीमीटर ऑफ आ गया आंसर की नहीं आ गया, कन्वर्स कर लो, कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, बात समझ में आ रहा है। ये दीदी बात का सारी की सारी चीजें मैंने आपको कहाँ दे रखी है बताओ बेटा बात करें, लिख के दे रखी है, बात समझ पा रहे यहाँ पे, इनको बुढ़े बात का आराम से याद करो, कर सकते कि नहीं कर सकते, चलो करो नोट करो फटाफट फटाफट, मैं कल कन्वर्ट कराऊंगा, आज भी बात